आज हम बनाएंगे हैदराबाद की एक फेमस रेसिपी जो है ये हैदराबादी चिकन मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होता है। जो लोग चिकन मटन खाने के शौकीन हैं उनको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने में बेहद आसान है। हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ और स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम आज की इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। बेस्ट जायका सीमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो हैदराबादी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, जिसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। धुलकर इसको एक बर्तन में मैंने रख लिया है। तो सबसे पहले हमें इसको मैरिनेट करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया था। इनको बहुत अच्छा कलर आ गया है और इसको मैंने डालकर मिक्सी के जार में पीस लिया है। इसको हम बिरिस्ता भी बोलते हैं। तो इसको हम इसी चिकन के अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप हमने लिया है फ्रेश दही, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आपको ध्यान रखना है खट्टा दही का हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, फ्रेश दही का ही हमें इसमें यूज करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूट कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो पेस्ट आता है ना उसका भी यूज कर सकती हैं। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच भरकर नमक। ज़्यादा नमक यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, केवल 1 चम्मच ही डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 1/2 नींबू। तो इसको हम इस तरीके से एक चाय वाली छन्नी लेंगे और उसमें से इसको छानकर डाल लेंगे, ताकि जो नींबू के बीज है ना वो इसके अंदर ना जाएं। अब डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे इस चिकन के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला से ना सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिला देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसको मिला सकती हैं, ताकि जितनी भी हमने चीज़ें डाली है ना वो चिकन के साथ अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे हम लगभग 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं 1/2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम बना लेते हैं इसके लिए हैदराबादी मसाला। जिसके लिए सबसे पहले हम एक पैन को रख लेंगे गैस के ऊपर और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें कि मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 4 सूखी लाल मिर्च ली है, 6 लौंग, 2 चक्रफूल लिए हैं, इसको बादियान के फूल भी बोलते हैं, 6 लिए हैं हमने हरी इलायची, 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे अगर आपके पास हो, 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें। अब इनको लो मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए अच्छी सी खुशबू आने तक इनको ड्राई रोस्ट करना है। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे ना तो इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। हाई फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से जब हम मसाला बनाकर चिकन में डालेंगे ना तो चिकन से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बहुत ही बढ़िया हमारा ये चिकन बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो 2-3 मिनट मसालों को भूनने के बाद इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। हमारे मसाले भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनको पूरे तरीके से हमें ठंडा कर लेना है। चलिए अब ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक बर्तन को रख लेंगे गैस पर और इसको अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 कप भरकर ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करें उसको आप डाल सकती हैं। तो ऑयल डालने के बाद ऑयल को हमें बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे, हमने ये ली है 2 बड़ी इलायची, इसको डाल देंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते। दोनों मसालों को लगभग 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि इनकी खुशबू अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज के प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक बारीक इस तरीके से। अब इनको हम इसमें डाल देंगे और इनको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो इनको हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा पिंकिश सा कलर इन पर आ जाएगा तब तक हम इनको भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये सारा काम करना है, लगातार चलाते रहेंगे। और प्याज को थोड़ा सा हमें भून लेना है। प्याज को भूनने के बाद इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। 2 चम्मच ही यहाँ पर हमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा चिकन के अंदर। तो 2 चम्मच भरकर हमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करना है। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, क्योंकि हमारी हल्दी तेज है। अगर आपकी हल्दी ज़्यादा तेज ना हो तो 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब सभी मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको हमें लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेना है।
अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/4 कप हमने लिया है यहाँ पर गर्म पानी, ताकि हमारे मसाले जो है ना वो जले ना। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि किनारों से तेल ना छूटने लगे। तो इसको छोड़ देते हैं, बीच में लगा चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा सा हमें पका लेना है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसको पका लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से बहुत ही अच्छा तेल छूटने लगा है, बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है हमारे मसाले का। अब हम इसमें जो हमने चिकन रखा था ना मैरिनेट होने के लिए, उसको डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें सारा चिकन इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए लगभग 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेना है, ताकि जो चिकन है ना वो मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। तो हाई फ्लेम रखेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो 2-3 मिनट हमने इसको अच्छे से ऐसे ही हाई फ्लेम पर भून लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने मसाला बनाया था ना, इसको हमने मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पीस लिया था। इसमें से हम आधा मसाला इसके अंदर डाल देंगे और आधे को बचा लेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो मसाला डालने के बाद अब हम इसको स्पैचुला से अच्छे तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हम 3-4 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जब तक कि इसमें से अच्छा सा तेल ना छूटने लगे, तब तक हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। और ये देखिए 3-4 मिनट हमने इसको पका लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि चिकन ने अच्छा सा इसमें तेल छोड़ दिया है, बहुत ही बढ़िया चिकन बनकर तैयार हो रहा है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 कप पानी। तो पानी का आप गर्म ही यूज करें, ठंडे पानी को यूज ना करें, ठंडा पानी यूज करने से ना कुकिंग रुक जाती है। तो इतना पानी सफिशियंट है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। तो अब हम इसको ढक देंगे और ढककर इसको हमें लगभग 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। 15 मिनट में जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको ढक देते हैं, लो फ्लेम पर हम इसको पका लेते हैं। और 15 मिनट पकाने के बाद ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, ये तेज नहीं है, बस इसमें अच्छा सा खुशबू आने के लिए हमने डाल दी है। बचा हुआ हमने जो मसाला बचाया था ना उसको भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद ना बस इसको हमें केवल और केवल 2-3 मिनट के लिए और पकाना है, उसके बाद हमारा चिकन बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए 2-3 मिनट पकाने के बाद हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी, सबको पसंद आने वाला हैदराबाद का फेमस हैदराबादी चिकन मसाला। यकीन मानिए जो चिकन मटन खाने के शौकीन हैं उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है, बनाने में बेहद आसान है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।